So, bhaiyo, this is me, Vikram Sharma, signing in back again on my channel, Vikram Sharma, Miles to Memories. Welcome back, दोस्तों. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा शुरू होने वाली है. और भाई, आज का दिन नया दिन चढ़ा है. आज फिर हम चल पड़े हैं जयपुर के लिए. तो बट आज इसमें हमारे टूर में एक हल्का सा ट्विस्ट है. हम जयपुर जा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुला है उस पे जाएंगे हम. तो देखते हैं यार, नया हाईवे कैसा है, बने रहिए. और बस अभी घर से निकला हूँ यार, और अभी बस हम गाड़ी में रिफ्यूल करवा के फिर हम चलेंगे जयपुर की तरफ. और ये रहा अपना राइट साइड पे फ्यूल स्टेशन. गाड़ी में तेल कम है, इसको भरवाते हैं और फिर आगे कहानी करते हैं. तो चलो भाई, अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे. पेट्रोल फ्यूल पंप आ गया है और गाड़ी में अभी तेल दिखा रहा है. इससे 3-4 डंडे हैं यार, इसको भरवा लेते हैं और फिर आगे कहानी करते हैं. तेल ये तो उन्होंने यहाँ पे बैरियर लगा रखा है, बंद कर रखा है. भाई क्या कहानी है, इसके पीछे लगा लेते हैं, यहाँ से भरवाते हैं यार. तो आ गए हम यार फ्यूल स्टेशन पे और अपनी गाड़ी जो है वो दिखा रही है इस वक्त, जो है मीटर दिखा रहा है अपना 182 की रेंज दिखा रहा है और सिर्फ 3 बार्स आ रही हैं. तो तेल डलवाते हैं क्योंकि अभी हम जयपुर एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे. तो पता नहीं यार कि कितना क्या अंदर उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा. खाने के लिए ना भी मिले तब भी चलेगा, पर अगर फ्यूल स्टेशन नहीं मिला तो फिर दिक्कत है यार. तो पहले फ्यूल अप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो भाई ये 2000 का तेल डाल रहा है, देखते हैं इसकी जो रीडिंग है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. ये डल रहा है आपका 2000 का तेल. बढ़िया है अभी रीडिंग इसकी, देखते हैं कहाँ तक जाती है यार. तो भाई अब अपनी 182 से रेंज आ गई है 519 किलोमीटर की और डंडे चले गए ऊपर तक. यानी कि अपना जयपुर जो है टेंटेटिवली आना जाना है 2000 के तेल में हो जाएगा. और हवा भी भरवा लेते हैं थोड़ी सी, सही करवा लेते हैं प्रेशर और फिर चलते हैं आगे. तो भाई डाल रहा है हमारी हवा 33 भरेगा. मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसके मीटर में यार. पहले टायर में ठीक दिखा रहा है, दूसरे टायर में 34 दिखा रहा है, थोड़ी हवा निकलेगी. दूसरा टायर भी हो गया. तीसरे टायर में देखते हैं कितनी हवा आ रही है. देयर इज सम प्रॉब्लम. तीसरा टायर भी इसका 4th टायर क्या कह रहा है जी, 4th टायर में 26 दिखा रहा है. तो इसका मीटर ठीक है इसका मतलब. और मेरे 3 टायर में हवा ठीक थी, 4th टायर में गड़बड़ है. तो ये भाई डाल रहा है इसमें हवा 31 हो गई, 28 से 26 से 33 डन. तो भाई उस समय हो रहा है अभी 8:46 राइट. और अब हम निकल पड़े हैं जयपुर के लिए और हमने पकड़ लिया है सोना रोड को, जो कि हमें लेके जाएगा मुंबई एक्सप्रेसवे पे जयपुर की तरफ. तो चलते हैं देखते हैं कैसी रोड है यार, कैसा है. ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता है कैसा रूट है क्या है, पर आई थिंक दिस इज द हाईवे विच इज गोइंग टू कनेक्ट अस टू द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे. तो भाई वो देख रहे हो यार, फ्लाईओवर पे चढ़े हुए मुझे 2-3-4 मिनट हो गए हैं भाई, पर अभी तक मेरा फ्लाईओवर अब जाके खत्म हो रहा है. और ये सोना रोड को हमने पूरा हाईवे अपना फ्लाईओवर से क्रॉस किया है. बहुत ही जोरदार सा लग रहा है, पर पता नहीं आगे कैसा निकलेगा ये रूट. मैं तो अपने कन्वेंशनल रूट से जा रहा था, पर मुझे कहा गया कि नहीं आप ये नया रूट लीजिए. तो हमने कहा चलो यार यही ले लेते हैं, चलते हैं देखते हैं कैसा है यार, कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का. तो अभी तो हम गुड़गांव की पेरिफेरी में ही चल रहे हैं और ये भोंडसी आ गया है गुड़गांव से थोड़ा सा आगे सोना रोड की तरफ, और यहाँ से आगे आएगा टोल और टोल से फिर सीधा आई थिंक एक्सप्रेसवे को हम बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे. तो बने रहिए यार, आपको दिखाते हैं रोडों का हाल. जैसा कि मैं बता रहा था यार कि ये जो पूरा जो सोना रोड वाला जो इन्होंने है ना, पूरा गुड़गांव का और जो नीचे गांव वगैरह आते हैं बॉन्डसी वगैरह, वो सारे इन्होंने
बाईपास करवा दिए हैं इन्होंने, फ्लाईओवर बना दिए हैं बहुत बढ़िया, तो पूरे फ्लाईओवर पे निकल रहे हैं और आगे बहुत आई थिंक आगे 4 लेन हाईवे आने वाला है बड़ा तगड़े वाला। तो बने रहो यार, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा है यार, हाउ द एक्सपीरियंस इज, एंड इफ इट इज़ अ गुड वन देन डेफिनेटली प्रॉब्ली आई माइट ट्रेवल फ्रॉम गुड़गांव टू मुंबई एज वेल इफ इट इज़ गुड। तो बने रहो, आगे अरावली की रेंज नज़र आ रही है यार, अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, तो बताते हैं अभी आपको टोल पे पहुंच के क्या सीन है। एक बार थोड़ा मैप वैप लगा लेते हैं और देख लेते हैं क्या सीन है, अभी अलवर वगैरह का बोर्ड आया था। चलो बने रहो यार, बताते हैं। तो भाई हमने अपना मैप भी सेट कर दिया है, ये दिखा रहा है मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे हम, और इट इज़ शोइंग 3 hours 29 minutes फ्रॉम एयर 256 kilometers। तो चलो यार बने रहो भैया, आई थिंक वी आर ऑन द राइट रोड, देखते हैं कैसा आता है यहाँ पे। 4 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, 3.5 घंटे दिखा रहा है कि आप 3.5 घंटे में पहुँच जाओगे। तो ये अलवर वगैरह का बोर्ड आया है, आगे हमारा टोल आ गया यार, तो टोल कटवाते हैं और सीधा सीधा निकलते हैं जयपुर की तरफ। और अगर इसी तरह की रोड आने वाली है तो भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आपको मैं दिखाता रहूँगा कैसा एक्सपीरियंस आता है। तो आ गया भाई वो पहला टोल, कितने की पर्ची कटेगी ये तो पता नहीं, देखते हैं क्या कहती है पर्ची। गो फास्ट होल है यार, वेरी गुड वेरी नाइस, थैंक यू भाई थैंक यू। और ये हमने सोना को क्रॉस करने जा रहे हैं अब, आई थिंक यहाँ से अब आई रियली डोंट नो यार कितनी देर बाद आएगा, तो अगर कोई साथ होता जानकार आदमी तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाते, पर चलो एटलीस्ट हाईवे का तो एक्सपीरियंस ले ही सकते हैं और हम तो अपने काम से जा रहे हैं। बट अगर इस तरह का सिनेरियो होने वाला है, भैंसे वैसे आ रही है बीच में, तो दिस इज रियली अलार्मिंग यार, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये अगर हाईवे पे अगर हमारे ये हाल है तो भैया क्या होने वाला है, बुरा हाल। ये देखो एक और नमूना, ये जा रहा है मुड़ के वापस उल्टा। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे यार आप, अपना बीपी बढ़ाने का, अपनी टेंशन लेने का, अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं यार। तो चौकस रह के अपनी ड्राइविंग कीजिए और ऐसे गधों से सावधान रहें। तो यार ये बता रहा है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे के लिए हमें एग्जिट बता रहा है यहाँ से लेफ्ट, सो अपन यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, आगे चल के देखते हैं कौन सा एग्जिट आ रहा है। फर्स्ट टाइम है भाई तो बियर विद मी, देखते हैं क्या बनती है कहानी आगे। तो भाई GPS मेम साहब भी कह रही हैं कि आगे 600 मीटर से आपको लेफ्ट लेना है एंड देन यू विल कनेक्ट ऑन द वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। वडोदरा होते हुए गुजरात होते हुए आप जाएंगे मुंबई। तो लो जी, अगर आप सीधा जाओगे यहाँ से तो आप निकल जाओगे सोना, और यह आ गया आपका मुंबई एक्सप्रेस वे, मुंबई वडोदरा आगाज हो गया है जी हाईवे का। ये आ गया बहुत बढ़िया वाला 4 लेन हाईवे, वेरी नाइस यार, क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। सो वी हैव नाउ ऑन द रनवे टू जयपुर वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों चलो बने रहो, बढ़िया लग रहा है यार हाईवे तो बहुत ही बढ़िया बना है वाकई में यार, इट सीम्स टू बी राइट डिसीजन। गाड़ी चलेगी आराम से 80-90 पे, इससे ऊपर अपन चलाते नहीं, इससे ऊपर अपने को चलानी आती नहीं। मेरी जाती नहीं तुम्हारी आती नहीं, वाह भाई वाह, हीरो बनती। क्या एक्सप्रेस वे आ रहा भाई, क्वाइट एन एक्सपीरियंस यार, क्वाइट एन एक्सपीरियंस। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है यार हमारे सामने, कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। लुक एट दिस हाईवे बॉस, भूख लग रही है, कहीं में रुकेंगे रास्ते में। समय हो रहा है 8:59, घड़ी में भी लॉक लग जाता है यार, सारी चीजों पे लॉक लगा दो मेरी, रोक लो मेरी एक्टिविटीज को। पूरा एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो खाली है, पीछे एक भाई आ रहा बड़ी दूर से गोली की तरह। लो जी आगाज हो गया जी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का। लो जी ये भी वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, ये चीज ही ऐसी है यार, खाली हाईवे है, कोई टेंशन नहीं ट्रैफिक की, कोई दिक्कत नहीं, आपने वीडियो बनाई है और चलते रहिए। ये बोर्ड क्या कह रहा है जी, यहाँ से 44 किलोमीटर पलवल है, फिरोजपुर
एंड मुंबई 1224 किलोमीटर। यार नॉट बैड यार, अगर आप, आई विल डेफिनेटली गो टू मुंबई ऑन दिस हाईवे यार, बस एक बार ये मुंबई तक पूरा बन जाए। आई थिंक वडोदरा के आगे कुछ कहीं पर डिस्कनेक्ट है, मैंने देखा नहीं, पर इस बार अब वापस आके मैं पूरी रिसर्च करूंगा इस हाईवे पे। लवली हाईवे यार, तो बने रहो भाइयों, पहुंचते हैं जयपुर वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। देख रहे भाइयों, पूरा हाईवे खाली है पीछे यार, एक भी गाड़ी नहीं है भाई। अगर ऐसा ड्राइविंग प्लेजर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट यार, और क्या आदमी चाहे यार, बताओ। देखो दूर से एक गाड़ी नजर आ रही है, अपन तो जा रहे हैं भाई 80 पे, ठीक है। वो भाई आएगा अभी, देखो आता जा रहा है और वो हमें अभी ओवरटेक कर लेगा बहुत जल्दी। वो आ रहा होगा कम से कम 125 पे। दो गाड़ियां नजर आई हैं, दो आगे, दो तीतर आगे और दो तीतर पीछे, और बीच में बड़े सुंदर फूल लगा रखे इन्होंने। तो भाई अब मैं आधा घंटा यार ड्राइव करूंगा, एक घंटा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो स्पीड लिमिट भी दे रखी है अपनी कार की, 120 की स्पीड है यार, और अपन जा रहे हैं 80, इससे ऊपर अपन चलाते नहीं भाई। भाई बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर बनाया यार, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना अपने वर्ली सीलिंग पे चल रहा हूँ यार। नीचे से रेलवे ट्रैक जा रहे हैं, आगे एक और टोल प्लाजा आ गया भाई। बताओ यार कितने टोल लोगे भैया, हर 5 किलोमीटर में टोल आएगा क्या यहाँ पे? वी हैव जस्ट कम 26 किलोमीटर, पिछला टोल अभी 5-10 किलोमीटर पीछे निकला है और अगला टोल फिर आ गया है। बनाए सुंदर है यार टोल, देख रहे हो कैसे इन्होंने, जैसे दुबई का फरारी वर्ल्ड होता है ना, बिल्कुल वैसा बना दिया इन्होंने। तो टोल प्लाजा एट 500 meters, ले लो भैया टोल, है ना सुंदर, अति सुंदर यार। ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस निकला यार, फंटास्टिक, राइट डिसीजन टू कम ऑन दिस रोड। बट टोल इतने यार, मतलब भाई 95 rupees का टोल है यहाँ पे, तो अभी तक मेरे ख्याल से 100-150 rupees का टोल तो मैं पे कर ही चुका हूँ सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए। तो मैं लेके आऊंगा फैमिली को यहाँ से, इस टोल से हम पीछे से यू टर्न मार के निकलेंगे और बढ़िया है, गुड है। खुल जा सिमसिम, खुल जा मेरे भाई, खुल जा 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 खुल जा। मैडम कह रही है पीछे लो थोड़ा, अब खुला जाके। तो चलो दोस्तों निकले यहाँ से, दीज आर फैसिलिटीज इन टोल वालों को ऑफिस, और आगे आपका सीधा सीधा पलवल, फिरोजपुर एंड अलवर, ये आपकी वॉशरूम्स है यहाँ पे, नॉट बैड। किसी को फ्रेशन अप होना हो आगे, मिले ना मिले, लोग बाग रुक रहे हैं, और यहाँ से सीधा 90 rupees का टोल कटा के जयपुर की तरफ कूच कर दिया जाए। तो भाइयों ये दिखा रहा है कि यहाँ पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया 5 kilometers आगे, मतलब यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और वॉशरूम्स भी हैं और आपके रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। ठीक है, इंफ्रा ठीक बनाया गया, बिल्कुल सही बनाया है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्रेस वे है यार, मुंबई तक 1200-1300 किलोमीटर की कहानी कर रहा है ये, तो बीच में आपका ये सब चीज़ें हर 100 kilometers में होनी बहुत लाजमी है। मतलब 100 kilometers का मतलब है कि यार 1 घंटे की ड्राइव, गुड, बढ़िया है। तो क्लियर कट मार्किंग्स हैं, पलवल कुंडली लेफ्ट एंड मुंबई सीधा। 2 kilometers में पीछे और मार्किंग आई थी कि भैया आपको आगे खाने पीने का आपका इंतज़ाम है, तो सचेत हो जाइए। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, नॉर्मली जब आप किसी हाईवे पे चल रहे होते हो ना, आपकी एवरेज स्पीड आती है वही 40-45-50 किलोमीटर्स पर आर। यहाँ पे अपनी इस मुंबई एक्सप्रेस वे पे हमारी एवरेज स्पीड आ रही है 70 kilometers per hour। भाई सही है यार, बिल्कुल एकदम खाली, आई थिंक जयपुर तक खाली मिलने वाला है पूरा, और साथ साथ आपकी जो पहाड़ियाँ चल रही हैं यार, एक अलग ही एक्सपीरियंस और एक बढ़िया व्यू है यार, मज़ा आ गया भाई। चारों तरफ खेत एकदम खाली और बीच में 4 lanes इस तरफ और 4 lanes उस तरफ, 8 lane एक्सप्रेस वे चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका हाईवे, और इन्होंने हर 15-20 किलोमीटर में ऐसे ना ले बायस दिए हुए हैं,
जिसमें आपके ये सारे रेस्ट एरियाज और रेस्टोरेंट्स वगैरह, और आगे हरियाणा का आखिरी वाला पेट्रोल पंप भी आ रहा है इंडियन ऑयल का। ये खड़ी हमारी वाइट फॉक्स, 28 की एवरेज दे रही है भाई इस हाईवे पे। देखते हैं यार इस रेस्टोरेंट में लोग वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। पीछे इन्होंने बच्चों का रिक्रिएशनल एरिया भी बना रखा है, झूले वूले लगा रखे हैं, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे, देखते हैं। सो आ गए भाई हम जयपुर एक्सप्रेसवे पे, मुंबई एक्सप्रेसवे, लेट्स सी क्या मिलता है। वो खड़ी पीछे अपनी वाइट फॉक्स, वो रही, और वो रहा पीछे आपका एक्सप्रेसवे। इंफ्रा बना तो रहे हैं पर अभी तक कुछ है नहीं, खाने पीने के नाम पे ले दे के एक ये वैन सी लगा रखी है इन्होंने, लेट्स सी क्या मिलता है यार यहाँ पे। देखते हैं भाई क्या खिलाएगा ये भैया, क्या मिल रहा है खाने के लिए। मेन्यू है सर बस, सारी उपमा, पोहा, मसाला, राजमा, नूडल्स, टी, बिस्किट, चखना। भाई एक कोक दे दे यार आधे लीटर की। तो भाई खाने के नाम पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, एक है टकाटक और एक है थम्सअप, और ये रही अपने पानी की बोतल। भाई अभी इसी से गुजारा करना पड़ेगा, तो चलते हैं बड़ा अपनी स्पीड मारते हैं, शूट मारते हैं टुवर्ड जयपुर यार। तो भाई ये आ गया है पहला फूड जॉइंट यहाँ पे, ये ठीक लग रहा है यार, यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ खाने के लिए पक्का। हाँ यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 15-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं यार, कुछ देखते हैं कुछ सैंडविच वैंडविच मिल जाए कुछ खाने के लिए, एंड लेट्स सी। चलो गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, अब देखते हैं क्या मिलेगा अपने को खाने के लिए। तो ये आ गए हम हाईवे पे, हाईवे से यहाँ पे अगेन डाइवर्जन लेके अंदर आए हैं। ये सामने वाइल फ्रॉम देयर व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, सामने है खाने का हिसाब किताब। हाई स्पीड पे कारें जा रही हैं, और ये है यहाँ पे एक्सप्रेसवे जंक्शन अर्बन ढाबा। ये खड़ी हमारी वाइट फॉक्स, मुझे लग रहा है ये तो खाने वाने का सिस्टम है यहाँ पे। सामने शायद कुछ अपने को कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ कैफ़े है, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए, चलते हैं अंदर। ये तो एक स्टोर बना रखा है इन्होंने यार, यहाँ पे यूल गेट ऑल नमकीन चमकीन, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। उधर देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है यार, वही है रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। तो भाई बहुत ही बकवास अरेंजमेंट है यहाँ पे, खाने के लिए कुछ है नहीं, परौंठे भी ये बना रहे तंदूर वाले, तो हमने कहा तंदूर के परौंठे हमें नहीं चाहिए, तवे के हैं तो दो। तो अब फाइनली जो सेटल हुआ है वो ये है कि सैंडविचेज हम 100% चाहिए, और बिल्कुल गंद बनाएंगे, ये वेज ग्रिल सैंडविच कह रहा है। सो आई टोल्ड हिम गेट मी वन कड़क चाय एंड वन आलू पैटी, नथिंग एल्स इज अवेलेबल। तो खाते हैं और फिर शूट मारते हैं जयपुर के लिए। भाई चाय के नाम पे यहाँ पे ये है, और पैटी जो मंगाई है भाई इतनी घटिया अनहाइजीनिक है, ये आधी तो मैंने निकाल के फेंक दी है, ये थोड़े से इसमें से एक दो बाइट लिए हैं, ये भी मैं फेंक के चले जाऊँगा। बहुत ही घटिया यहाँ पे खाना परोस रहे भाई इंडिया में यार, पता नहीं क्यों अपने देश में ऐसा है कि जहाँ पे सामान ना मिले वहाँ पे लोगों का फुद्दू काटते रहो। डिमांड एंड सप्लाई को लोग बहुत गंदी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, दिस इज़ लाइक पीस ऑफ फकिंग शिट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इट हियर, दिस इज़ द पैटी व्हाट दे आर ऑफरिंग यार, गंद एकदम। चलो भाइयों मिलते हैं आगे कोई ढंग की जगह पे। सो दिस इज इट, फाइनली आई हैव थ्रोन द एंटायर फूड, वेरी एब्सोल्यूट क्रैप, एब्सोल्यूट पीस ऑफ शिट दीज पीपल आर ऑफरिंग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑन अ हाईवे लाइक दिस, जिसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जितना प्रमोशन कर रहे हैं, इंफ्रा के नाम पे जीरो। जस्ट फॉर द हेक ऑफ ड्राइविंग ऑन अ रोड डजंट मीन दैट यू आर लाइक गेटिंग स्क्रूड लाइक दिस, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल यार। दो टोल दे चुके हैं भाई साहब अभी तक, और उसके बाद ये मिल रहा है। तो भाई मेरा तो अपडेट ये है कि अगर आपको 100 की स्पीड में सिर्फ सड़क नापनी है तो ये हाईवे ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ट्रैवल इंजॉय करना है और लिटरली अगर आपको खाते पीते हुए मस्ती में जाना है तो आई वुड रिकमेंड द ओल्ड जयपुर हाईवे। नज़ारे अच्छे हैं, रोड्स बेकार हैं, बट रास्ते में खाते पीते कॉफ़ी वूफी पीते हुए आप मस्त अपना इंजॉय करते हुए जा सकते हो, बट ओवर हियर यू हैव नथिंग बट द रोड, नो इंफ्रा, जीरो।
बाकी भाइयों देख लो पहाड़ों के नज़ारे, अरावली के नज़ारे बढ़िया है यार। गाड़ी निकली, हम जा रहे हैं 90 की स्पीड पे, ये भाई गया है वैगन आर लेके 125 की स्पीड पे। तो लोग हैं भाई जो जोखिम उठा रहे हैं, जोखिमबाज लोग हैं। चलने दो, कोई बात नहीं, मर्जी अपनी अपनी। तो भाई अब हाईवे ही है और तो कुछ दिखा नहीं पाऊंगा आपको मैं यहाँ पे, तो अब थोड़ा आगे चल के आपसे दोबारा रूबरू होते हैं। ये एक और गए भाई साहब 125 की स्पीड पे, अपन जा रहे हैं 100 की स्पीड पे, देख रहे हो आप। तो चलने दो। तो भाई ये अपनी देखो, ये इंडिया का एरिजोना देख लो, ये साथ साथ हमारे पूरी अरावली रेंज चल रही है हाईवे पे। मतलब इस हाईवे पे आपने गाड़ी को जो है बस आपने दबाना है एक्सीलेटर और चल पड़ो स्ट्रेट यार, स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट ऑन द हाईवे यार। ये पहाड़ मतलब पूरी तरह से इनगल्फ डैम पहाड़ों के बीच में, पूरी तरह से देखो बहुत ज्यादा यार। तो भाई अब हमारे को यहाँ से इस हाईवे पे अब हम लेंगे, यहाँ से लूप आएगा एक छोटा सा देख रहे हो, और उस लूप से हमें जाना है 2 किलोमीटर आगे है, हमें राइड लेना है जयपुर के लिए। तो चलो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं लूप आने ही वाला यार। तो ये आ गया भाई लूप आगे, यहां से हम लोग ले लेंगे राइट फॉर जयपुर। मुझे तो ऐसे ही डाउट हो रहा था, पता नहीं कैसे होगा, कौन सा रास्ता होगा, पर यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मार्किंग कर रखी है और नॉन स्टॉप चलाने वाली वाला रास्ता है यार ये। आप लेफ्ट चले जाएंगे तो आगरा, आगरा यहाँ से आई थिंक कुछ 100-125 किलोमीटर ही होना चाहिए। तो और ये आ जाएगा आपका आगे जाके, अपन लूप में एंटर कर रहे हैं देखो। सो वी आर जस्ट एंटरिंग द लूप। जयपुर के लिए एग्जिट दिखा दिया इन्होंने, तो यहां से हम जयपुर के लिए एग्जिट मार देंगे यार। ये वाला लूप है जिससे हम जाएंगे, ये देख रहे हो साइड में, ये जयपुर, यहां से जयपुर भाई साहब। चलो चले चलो। तो ये है वो लूप और यहां से वो जयपुर के लिए हाईवे निकल जाएगा। तो एक छोटा सा टोल आ गया दोबारा यार, ये है तीसरा टोल यहाँ पे भाई साहब, टैग लाइन। जबरदस्त टोल कट रहे भाई साहब, जबरदस्त जोरदार टोल, सब लोग वीडियो बना रहे हैं। और ये आ गए हम टोल पे, काटो भैया पैसे। खुल जा सिम सिम, खुल ही नहीं रहा यार, अब खुला जाके। चलो चले, यहां से जयपुर अभी भी हमें 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 69 किलोमीटर। वी हैव डन 192 किलोमीटर, वही 150 किलोमीटर के करीब। जब हम ओल्ड हाईवे से जाते हैं तो हमें पड़ता है जयपुर अराउंड 130-135 किलोमीटर, वही अब जाके हमें पड़ेगा अराउंड 160 किलोमीटर के करीब, 60-65। तो वही 20-25 किलोमीटर ये रूट ज्यादा पड़ता है। बट आई थिंक अगर आपको बहुत कुछ खाते पीते हुए नहीं जाना तो यू कैन एंजॉय दिस हाईवे यार, क्योंकि ये सीधा सीधा टापो टाप एकदम खाली आपको स्पीड पे पहुंचा देता है बहुत जल्दी।